अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मुसाफिज है। तो आजकल पीटीआई में सिर्फ शेर अफजल मरवत ही थे जो पीटीआई को लीड कर रहे, तो मैंने यही कहा था कि अब अगली बार ही इनकी हो सकती है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई को लीड करता है या पीटीआई के हक में बोलता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आज शेर अफजल मरवत जो है वो उन्होंने नौशहरा में जलसा किया, वर्कर कन्वेंशन कहते हैं बेसिकली जलसे को, आजकल नया नाम दे दिया वर्कर कन्वेंशन। वो इसमें लगे कि ये सिर्फ थोड़े से बंदे बुलाए थे, ये एक जलसे में बदल गया। तो उन्हें जो है वो उधर से वापस आ रहे थे धीर के मुकाम पर, पुलिस ने रोका, कुछ सवाद कह रहे हैं, कुछ धीर कह रहे हैं, लेकिन उधर से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें चेक पोस्ट पर रोका गया, फिर पहले हजूम इकट्ठा हो गया, फिर कुछ खबरें आ रही हैं उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अभी पीटीआई के जो ऑफिशियल चैनल है उन्होंने तस्दीक की है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या शेर अफजल मरवत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ देंगे और पीटीआई से ला तल कर देंगे, यानी ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी पीटीआई जो है वो सिर्फ शेर अफजल मरवत पर डिपेंड करती है। आज उन्होंने जो नौशहरा में जलसा भी किया, उन्होंने उधर धुआंधार खिताब किया, उसने उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा किसी से नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना है, मुस्लिम किस्म की बातें की, जिसकी वजह से आज उन पे डेली डेली जिधर जिधर कन्वेंशन कर रहे थे उन पे डेली जो पर्चे तो हो रहे थे। मैंने यही कहा था कि अब अगला नंबर जो है शेर अफजल मरवत का होगा, और वही हुआ कि अब उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखने वाली ये बात होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है या नहीं।